आज दो घंटे पूछताछ हुई, अब कहा जा रहा है कि 25 को फिर सोनिया गांधी को बुलाया गया है। गांधी परिवार को परेशान करने के लिए राहुल को भी बुलाया गया था। जब भी कोई भी एजेंसी बुलाएगी जरूर हम जाएंगे, मतलब पूरा परिवार जा सकता है। अगर रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ है बात करने के लिए। रॉबर्ट, आज सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की नेशनल हेराल्ड मामले में। 30 घंटे राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ हो चुकी है, आज दो घंटे पूछताछ हुई, अब कहा जा रहा है कि 25 को फिर सोनिया गांधी को बुलाया गया है। मैं ये फिर से देखूंगा राजनीतिक तरीके से कि बीजेपी फिर से एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है गांधी परिवार को परेशान करने के लिए, डराने के लिए। और क्योंकि गांधी परिवार ही है जो लोगों के लिए सोचती है और रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं करती है, भेदभाव के राजनीति नहीं करती है, और वो हमेशा लोगों की आवाज़ बुलंद करती है, उनके इशू के लिए बात करती है, चाहे पार्लियामेंट में हो या रोड पे हो। तो अगर जो गलत पॉलिसीज बीजेपी लाती है या अगर नुपुर शर्मा गलत बोलती हैं पूरे देश के लिए, और देश में आंदोलन वैसे ही शुरू हो जाता है, माइनॉरिटीज को बहुत गुस्सा है और बहुत नाराजगी है, तो मैं यही कहूंगा कि एक तरीके से है कि गांधी परिवार को परेशान करने के लिए। और सबने देखा है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है, तो लोगों को एजेंसियों में भरोसा नहीं है कि ये खाली एक टूल जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि कभी इलेक्शन के समय पे या अगर कभी भी कोई बीजेपी की नाकामियां होती है, जैसे अगर अभी ईडी का अभी ये वाला इशू है जो जीएसटी का इशू था, तो उसमें कोई मतलब कि उस समय में डालते हैं जब उनको पता है कि सोनिया जी को बुलाया हुआ है, और उससे पहले जब नुपुर शर्मा ने गलत बोला, कम्युनल इशू क्रिएट किया, उस टाइम राहुल को भी बुलाया गया था। तो अब जब भी कोई भी एजेंसी बुलाएगी जरूर हम जाएंगे, मतलब पूरा परिवार जा सकता है। अगर जो भी कभी भी किसी को समन किया जाएगा तो जा सकते हैं, पर सबको लग रहा है कि ना तो उन्हें ना तो सोनिया जी की मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य का कोई ख्याल किया, ना उनके उम्र का लिहाज है, ना कुछ है, कोई स्टेट्समैन का, एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन है, पूरी देश पूरा दुनिया देख रही है, और मेरे ख्याल से गलत है, और कानूनी तौर से इसको संभालना चाहिए था। पुराना केस है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो मुझे यही लगा है कि गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ईडी को एक टूल की तरह कह रहे हैं कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आज अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं वो नाराज दिखे और उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज करते हुए ये कहा कि ईडी जो है वो इडियट की तरह काम कर रहा है। देखिए, मैं कोई ऐसे लफ्ज या शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, और मैं कहूंगा कि अगर ईडी को और कई एजेंसीज को राजनीतिक जैसे इस्तेमाल ना किया जाए, यू नो पॉलिटिक्स और एजेंसीज को अलग रखेंगे तो लोग उनमें भरोसा करेंगे कि हाँ किसी ने अगर कोई गलती की है या किसी से सवाल पूछने तो उसमें कोई अहमियत है। पर अभी क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है, चाहे पंजाब में हो, तो जो उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के उनके परिवार को परेशान किया गया, उसके बाद उस केस का कुछ पता ही नहीं चलता है। वही चीज बंगाल में हुआ जब ममता के नेफ्यू को तंग किया, और फिर अब महाराष्ट्र में पता चल रहा है। तो हर रोज जब देखते हैं या पढ़ते हैं तो सबको लग रहा है कि कैसे इन पे एजेंसीज पे भरोसा किया जाए। मैं यही कहूंगा कि इस तरीके का माहौल जो मतलब फेयर क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रगति नहीं होगी। पहले कुछ 20,000 बिजनेसमैन छोड़ के चले गए, फिर अभी सेंसस आया था कि 8,400 बिजनेसमैन छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि यहाँ एक छोटा ऑफिस बनाओ और बाहर एक अपना ऑफिस और रहने का
पूरा अपना काम वगैरह करने का बाहर ही सही रहेगा। आज हमने जब देखा सोनिया गांधी जब ईडी दफ्तर के लिए निकल रही थी, प्रियंका गांधी उनके साथ थी, राहुल गांधी उनके साथ थे, एक तस्वीर राहुल गांधी के घर से भी जब वो निकल रहे थे तब दिखी जिसमें आपकी बेटी भी उस तस्वीर में दिख रही थी। तो एक तरह से आज जब ये संकट का समय जब दिखा गांधी परिवार में, पूरा परिवार एक साथ दिख रहा है। पर क्यों नहीं, हमारे परिवार को किसी न किसी तरह परेशान करने की कोशिश की जाती है, और इतना भी कि मेरे बेटे को भी जैसे कोई इंक्वायरी आई थी कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या नहीं, और मतलब कि वो डिटेल पूरा दीजिए, और ज़रूर हम एकजुट होकर बैठते हैं, क्योंकि देश में जो माहौल है जो गलत है वो उसके बारे में जिक्र करते हैं, और उन्होंने देखा है उनकी छोटी उम्र में कि जब मुझे काफी तंग किया गया है जब से ये पॉलिटिक्स मतलब जैसे 2014 से कुछ न कुछ बेबुनियाद इल्जाम लगाते रहे, और तो उन्होंने सीखा कि इस तरीके का माहौल है, इस तरीके की राजनीति कभी देखी नहीं है पर देखने को मिल रही है, और उससे वो भी स्ट्रांग हो गए हैं। मैं यही कहूंगा कि वो समझदार हैं, और जरूर वो अपनी नानी को और अपने मामू को और जरूर सपोर्ट करते हैं, और इस समय में मैं खुश हूं कि वो गाड़ी चलाई उन्होंने और उनके साथ रहे, ये उनका कर्तव्य है कि मतलब कि अपनी नानी के साथ रहें इस समय पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी दिखे सड़कों पर, और पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जैसा आपने कहा कि ईडी को कहीं ना कहीं मिसयूज करने का काम सरकार कर रही है। आज संसद के अंदर भी 13 राजनीतिक पार्टियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। आपको लगता है कि सोनिया गांधी के नाम पर, और जिस तरह से आपने कहा कि उम्र को भी नहीं समझा, उनके जो बीमार अभी वो रही उसको भी नहीं समझा गया, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कांग्रेस को सपोर्ट करती दिख रही है? देखिए आप मुझे ये बताइए कि ईडी ने या किसी अलग एजेंसी ने कोई भी बीजेपी के नेता को या कार्यकर्ता को जिसने कुछ गलत किया है उनको इंटरोगेशन के लिए बुलाया है, समन किया है? बिल्कुल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों वो अलग हैं जो पूरे देश में कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पर मतलब उनको रिहा होते हैं और मतलब कि कोई एजेंसी उनको समन नहीं करता है, इंटरोगेशन के लिए बुलाता नहीं है। तो जरूर एक सारे ऑपोजिशन इकट्ठे होंगे क्योंकि सबने ये सारा देखा है, झेला है, और ये परेशानी को झेली है, तो जरूर वो इकट्ठे होंगे और एक वन वॉइस में बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया आंदोलन जो है ये काफी समय से चलता आ रहा है, और जब से नुपुर ने बोला है तो देशभर में ये आंदोलन शुरू हुआ, और उसके बाद उन्होंने देखा कि राहुल हमेशा लोगों के लिए बात करते हैं, चाहे किसान हो या कोविड के समय बोलते हैं, या अगर प्रियंका निकलती हैं और लखनपुरी में जो प्रशासन उनके साथ बर्ताव करता है, तो वो देखते हैं कि अगर हमारा परिवार लोगों के लिए आगे बढ़ता है और उनकी आवाज़ बुलंद करता है तो इसी परिवार को दबाया जाता है। तो इस तरीके से लोग उनके साथ इकट्ठा होना चाह रहे हैं और खड़े होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।